बागपत पुलिस ने आज यातायात माह का समापन किया। बागपत में पुलिस और यातायात पुलिस ने यातायात नवंबर माह का समापन पुलिस लाइन में किया गया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने यातायात माह के दौरान सहयोग करने वालों को सम्मानित किया। दरअसल बता दें, प्रत्येक साल की तरह नवंबर माह में यातायात माह मनाया जाता है। मंगलवार को बागपत पुलिस ने पुलिस लाइन में यातायात नवंबर माह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान यातायात माह में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, शराब पीकर वाहन न चलाएं, बाइक की सवारी करते हुए हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। माह होता है, उस यातायात माह का आज अंतिम दिन था, 30 नवम्बर है। इसमें एक कार्यक्रम किया गया पुलिस लाइन में, इसमें 4 स्कूल के बच्चों को बुलाया गया और बच्चों से ही पूछा गया कि वो ट्रैफिक नियम को लेकर कितने जागरूक हैं। तो सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया और आश्वासन दिया है कि ट्रैफिक नियमों का वो पालन करेंगे, अपनी फैमिली में करवाएंगे, साथ ही साथ उनका जो मोहल्ला है, जो गांव है, उनमें भी लोगों को जागरूक करेंगे ट्रैफिक नियमों का पालन कराने हेतु। साथ ही साथ मैंने स्कूल मैनेजमेंट से भी बात की है, तो स्कूल मैनेजमेंट ने भी इंश्योर किया है कि कोई भी बच्चा उनके स्कूल में, कोई भी माइनर बच्चा गाड़ी नहीं चलाएगा, टू व्हीलर नहीं चलाएगा, और जो भी बच्चे बालिग हैं वो हेलमेट पहनकर ही आएंगे। तो ये सारे नियमों के बारे में बताया गया और ट्रैफिक माह में जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जनपद की पुलिस ने उल्लेखनीय कार्य किया, उसके लिए उनको, उनकी प्रशंसा की गई है। साथ ही साथ उनको बोला गया है कि ट्रैफिक माह के समाप्त होने के बाद भी कार्रवाई निरंतर जारी रहे, ट्रैफिक का जागरूकता, ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता तथा इन्फोर्समेंट दोनों आवश्यक हैं, दोनों निरंतर जारी रहेंगे।